जय माता दी। दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ रहा है आज के डबल हेडर का पहला मैच लेकर। आज मैच किसके बीच है? मैच है एसआरएच वर्सेस आरसीबी। दिन का गेम है, वानखेड़े में गेम है। डिटेल में बात करेंगे मैच के बारे में, प्लेइंग 11 में। पिछले मैच में काफी बदलाव हुए थे एसआरएच की टीम में, तो क्या वो प्लेयर्स वापस आएंगे, इनकी फिटनेस का क्या हिसाब किताब है और कैसे ये क्वालिफायर्स की रेस को इंटरेस्टिंग बनाएगा इस मैच का रिजल्ट, ये सारी बातें वीडियो में करने वाले। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल। कैसे करना है? इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है, उस कमेंट पे क्या करें, क्लिक करें और जुड़ जाए मेरे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, ये सबसे आसान और सुलभ तरीका है। ऐसा नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, फिर आप ये करिए, टेलीग्राम ऐप पर जाइए अपने फोन में, ठीक है, वहां सर्च कीजिए क्रिकेटोलॉजी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। उसको जब आप सर्च करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपको क्रिकेटोलॉजी के नाम से बहुत सारे चैनल दिखेंगे। ठीक है, आपको जो हमारा ओरिजिनल चैनल है उसको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे ये डिटेल्स मैच कर लीजिएगा। इतने मेंबर है चैनल पे, 11,125 करीब मेंबर है। ठीक है, इतने मेंबर, ये यूजर नेम, ये डिस्क्रिप्शन और ये नेम, ये चारों डिटेल आप मैच कर लें। ठीक है, जहां ये डिटेल्स मैच कर हो रही हो, समझिए कि आपको बस वहीं जुड़े रहना है। ठीक है, उसी चैनल पे जुड़ना। टेलीग्राम की बात होगी, बात करते हैं मैच की। एसआरएच वर्सेस आरसीबी। एसआरएच पॉइंट टेबल में 3 नंबर पे है, 12 पॉइंट एसआरएच के पास है। आरसीबी के पास भी पॉइंट्स हैं और आरसीबी भी पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पे अभी खड़ी है, लेकिन फासला 4 से लेके 8 तक उतना कम है कि एक एक मैच पे पोजीशंस बदल रही हैं। तो आरसीबी के लिए सिचुएशन ये है, क्योंकि आरसीबी 11 मैच खेल चुकी है, बाकी टीमों ने खेले 10-10 मैच, मतलब मार्जिनली आरसीबी ने एक मैच थोड़ा ज्यादा खेल लिया है अगर पॉइंट टेबल के हिसाब से बात करें तो। इन दैट केस आरसीबी को क्या करना होगा कि ये मैच जीतना होगा अगर अपने क्वालिफायर्स के चांस बनाने हैं। 3 मैच बचे, 3 में से 2 मैच आरसीबी को जीतने होंगे, तभी उनकी क्वालिफायर्स की बात बचेगी। एसआरएच के पास 4 मैच हैं, 4 में से अगर 2 भी जीते तो भी क्वालिफायर्स में एक पैर उनका अंदर है। ठीक है, ये क्वालिफायर के चांस हो गए। बात करते हैं पिच की। वानखेड़े में मैच, दिन का मैच, तो क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए, दिन में स्विंग तो बॉल करेगा नहीं, स्विंग नहीं करेगा तो क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है। इसलिए एवरेज स्कोर यहां 170 के आसपास रहेगा, प्लस स्पिन फ्रेंडली रहेगा, प्लस विकेट्स यहां पे 12 से 16 आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ विकेट्स जो है वो स्पिनर्स को जाएंगे। ये मैच पूरा आपके सामने मैंने खोल के रख दिया। एवरेज स्कोर इतना हो सकता है, स्पिन फ्रेंडली रहेगा, सेकेंड इनिंग में ज्यादा टर्न करेगा, इतने विकेट्स गिर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा विकेट्स स्पिनर लेंगे, ये है कहानी इस मैच की। अब प्लेइंग 11 पे आ जाता हूं मैं, यहीं से आपको और ज्यादा ये चीज समझ में आएगी। पिछले मैच में प्लेइंग 11 ये थी दोनों टीमों की। एसआरएस ने कई बदलाव किए थे, क्या बदलाव किए थे, गोपाल आए थे सुंदर की जगह, त्यागी आए थे नटराजन की जगह, ये तो बदलाव थे बड़े, और साइन अबाउट आए थे मार्को यंसन की जगह। ये अपना प्लेस रिटेन करेंगे, ये भी अपना प्लेस रिटेन करेंगे। कार्तिक त्यागी की बात है कि अगर नटराजन फिट हैं तो कार्तिक त्यागी को बाहर बैठना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन के गैप के बाद ही गेम हो रहा है एसआरएच का, अभी नटराजन फिट नहीं होंगे, तो इस मैच में त्यागी ही खेलेंगे। बड़ी अच्छी गति पे बॉल कर रहे थे और थोड़ा लकी रहे कि इनकी गेंद पे पिछले मैच में 2 कैचेस भी छूटे, वरना अगर यही 2 विकेट उनके हाथ आ जाते तो इनकी श्योर शॉट प्लेस हो जाता। बाकी ऊपर से यहां तक तो कोई बदलाव होगा ही नहीं। पहले 5 बढ़िया फॉर्म में है, शशांक को 1 मैच में मौका मिला है, बढ़िया करके दिया है उन्होंने, और इनके लिए लकी मॉस्कॉट है। आपको याद हो कि जब तक शशांक टीम में नहीं थे एसआरएच हार रहा था। शशांक प्लेइंग 11 में आए, सिर्फ 1 मैच में बैटिंग आई है, लेकिन लकी मॉस्कॉट के तौर पे हैं, जब से आए हैं एसआरएच जीत रही है। ठीक है, ये कहानी होगी एसआरएच की। कोहली मतलब एसआरएच आरसीबी की जो टीम है उसका लेखा जोखा ये है, ये टीम खेलेगी और ये टीम खेल भी रही है, कोई इसमें बदलाव होने वाला नहीं है। बात करते हैं कुछ स्मॉल लीग पिक्स की। तो देखिए, जैसा मैंने बताया स्पिनर्स को लेके, तो स्पिनर्स को लेके मतलब श्रेयस गोपाल का नाम मैं सबसे पहले लूंगा एसआरएच में, बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और क्यों रहने वाले हैं? क्योंकि कोहली को
मैक्सिमम टाइम आउट कर लेते हैं, मैक्सवेल को आउट कर लेते हैं, एबी डी विलियर्स जो होते थे आरसीबी में उनको भी आउट कर लेते थे। तो गोपाल मैक्सवेल और कोहली के लिए थोड़ा सा सरदर्द साबित हो सकते हैं। और हाँ, अगर स्पिन को थोड़ा और अगर एसआरएच पुश करना चाहेगा कुछ ओवर तो मार्करम डाल लेंगे, हो सकता है त्यागी की जगह जगदीशा सुचित भी आ जाए कि दो स्पिन प्लस मार्करम, मतलब 8-10 ओवर कवर हम स्पिन से कर लेंगे बाकी बेस, तो बात एसआरएच बना सकता है। स्मार्ट कैप्टन है केन विलियमसन तो ये काम कर सकते हैं, हालांकि अभिषेक शर्मा भी है इनके पास बॉलिंग लाइनअप में, लेकिन उनसे गेंदबाजी ज्यादा क्या कराई नहीं रहे, एक मैच में एक दो ओवर डलवाया बस, खुद भी कर सकते हैं केन विलियमसन लेकिन कर नहीं रहे। खैर ये बातें अलग हैं। तो पिच का ध्यान रखते हुए स्मॉल लीग में गोपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीन अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बल्ला भी चला लेते हैं ठीक है, अभिषेक शर्मा केन विलियमसन, क्योंकि पिच जब तक टर्न करना शुरू होगा जो टॉप ऑर्डर है वो उसका क्या कह सकते हैं एक तरीके से कि उसका फायदा उठा सकता है ठीक है। इसलिए ये दो मार्करम और पूरन जिस फॉर्म में है ये प्लेयर हो गए आपके स्मॉल लीग के हिसाब से एसआरएच कैंप से। इधर मैं बात करूं ओपनिंग जोड़ी कितना अच्छा करेगी इस बात पे डिपेंड आरसीबी का फॉर्च्यून करने वाला है दो चीज। तीसरा मैक्सवेल, क्योंकि पांचवें गेंदबाज की भूमिका निभा रहे हैं तो ये पांचवें गेंदबाज की भूमिका कितनी अच्छी निभाएंगे, खासकर जहां थोड़ी स्पिन को अब हेल्प मिल सकती है और आपको टॉप फाइव में दो लेफ्ट हैंडर भी मिल रहे हैं, तो ऐसे में मैक्सवेल का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वाणिंद वसरंगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर ऑफ द मैच होने वाले हैं अभी कह दे रहा हूं ठीक है। और हर्षल पटेल ये प्लेयर है जो आरसीबी के कैंप से बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं, और ये प्लेयर है जो एसआरएच के कैंप से बहुत होने वाले हैं इंपोर्टेंट। आ जाते हैं जीएल पिक्स पे, ग्रैंड लीग के हिसाब से कौन से खिलाड़ी का रोल अहम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो भुवनेश्वर कुमार अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि फाफ और कोहली की जो ओपनिंग है वो संभव स्ट्रगल कर रही है, उस स्ट्रगल का फायदा भूमि लगातार टाइट बॉलिंग कर रहे हैं विकेट सुधने नहीं मिल रहे, उठा सकते हैं फायदा। तो हैशटैग लगा देता हूं ये जीएल के एक बढ़िया प्लेयर है। उमरान मलिक को हर कोई लेके जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप लेके जा रहे हैं ग्रैंड लीग में तो कैप्टन बनाइए, ये दो धारी तलवार है, बिल्कुल सोए अख्तर है पेस के साथ भी और नेचर के हिसाब से भी कि या तो बहुत सारे पिक्स लेंगे या फिर एक भी नहीं लेंगे ठीक है। दो पिक्स मैं आपको ग्रैंड लीग की यहां से दे रहा हूँ, राहुल त्रिपाठी को लीजिए तो कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाइए, एज ए प्लेयर लेने का इसका फायदा नहीं है, फॉर्म डिप हुई है। इधर आ जाते हैं लोमरोर बहुत बढ़िया चॉइस है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, सेवा जमा बहुत बढ़िया चॉइस है, फ्लेक्सिबल खेल रहे हैं किसी भी डाउन पे भेज देते हैं आरसीबी वाले इनको, और उसके बाद हेजलवुड ये आपके लिए ग्रैंड लीग में आरसीबी के कैंप से बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग पिक्स की बात हो गई, बात कर लेते हैं क्या बात कर लेते हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग टीम की, कैसे बनेगी क्या बनेगा और कैसे होगी आपकी गेम किस टीम के साथ। लेकिन समझना ये पहले ये समझिए कि आपको खेलना कहाँ है, आपको खेलना है रियल 11 ऐप पर ठीक है। रियल 11 ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने वीडियो के सबसे ऊपर वाले कमेंट में दे रखा है टेलीग्राम के साथ, उसके अलावा कहाँ दे रखा है उसके अलावा मैंने लिंक दे रखा है आपका इस पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो अभी जुड़ो रियल 11 पे। फायदे बता दो, यूजर कॉम्पिटिशन कम है, क्रेडिट वैल्यू प्लेयर्स की कम है, वीकली लीडर बोर्ड पे 1 लाख, आईपीएल लीडर बोर्ड में महिंद्रा थार आपका इंतजार कर रही है, उन सारे फायदों का फायदा उठाए, सेकंड इनिंग्स खेल सकते हो, सेशन खेल सकते हो, बड़े फायदे हैं इस ऐप के, उन फायदों का जबरदस्त फायदा उठाइए ठीक है। बैटिंग टीम बॉलिंग टीम और बनाकर खेलना चाहते हैं आप क्या, बैटिंग बॉलिंग और रिवर्स फैंटेसी टीम, तो उसके लिए आप जुड़िए अभी के अभी विजन 11 ऐप से, उसका लिंक भी जहां रियल 11 का दे रखा है वहीं दे रखा है ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टीम्स की, यहां बनेगी हमारी स्मॉल लीग टीम, यहां ग्रैंड लीग 2 बनेगी, यहां जीएल 1 बनेगी, इसको हम बोल देते हैं लो रिस्क, इसको बोल देते हैं हाई रिस्क ठीक है। आपके पास विकेट कीपिंग में चॉइस कौन है, निकोलस पूरन पिछले दो मैच में 250, नंबर 5 का पक्का स्थान, दिनेश कार्तिक फॉर्म ठीक ठाक है लेकिन बैटिंग पोजीशन उनकी सर्टेन नहीं है, कभी 5, 6, 7, 8 तक कहीं भी खिलाते हैं, तो ऐसे में मैं क्या करके जा रहा हूं, मैं ये करके जा रहा हूं कि केवल एक विकेट कीपर को ऑप्शन के साथ जा रहा हूं, वो भी निकोलस पूरन,
क्योंकि इनके साथ क्या है सर्टेनिटी है कि हाँ पांच नंबर खेलेंगे खेलेंगे, कार्तिक के साथ वैसा नहीं है, उनको कहीं भी खिलाया जा रहा है। ठीक है, बैटिंग में ऑप्शंस मेरे पास फाफ, अभिषेक, देखिए पिच घूमेगी मिडिल ओवर्स में और डेथ में पिच स्लो हो जाएगी, इसलिए मैं टॉप ऑर्डर के चॉइसेस को ज्यादा प्रिफर कर रहा हूं। ठीक है, दो ऑलराउंडर आपके मैक्सवेल और मार्टन, बॉलिंग ऑप्शंस ज्यादा लेके जा रहा हूं, पांच लेके जा रहा हूं, हेजलवुड, हसरंगा, और हर्षल पटेल, ट्रिपल एच आरसीबी का। इधर से सीन एवॉर्ड और आपका श्रेयस गोपाल, पांच बॉलिंग ऑप्शन, दो ऑलराउंडर, तीन बैट्समैन, एक विकेट कीपर, इस कॉम्पोजिशन के साथ जा रहा हूं। बात समझिए क्यों मैंने बोला पिच स्लो स्लो होगी, विकेट्स गिरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा विकेट हमें ग्रैब करने, इसी के चलते मैक्सवेल को कैप्टन बनाया मैंने इस टीम का और वाइस कैप्टन मार्करम का। कारण इनसे तीन से चार ओवर मिल सकते हैं, तीन नंबर चार नंबर बैटिंग मिल जाएगी और शायद तीन नंबर ही मिलेगी क्योंकि बादों पे स्लो हो जाएगा, ये स्ट्रोक मेकिंग कर नहीं पाएंगे तो आरसीबी इनको ऊपर खिलाएगा। मार्करम के साथ भी सेम सीन है, मिडिल ओवर में रन बना सकते हैं, थोड़ा टेक्निकली साउंड है उस पिच पे रन भी बना सकते हैं, प्लस कम से कम दो ओवर का कोटा इनसे आपको देखने को जरूर मिलेगा, दो तीन ओवर, इसलिए मार्करम वाइस कैप्टन। एक बार अपनी स्क्रीन पर टीम देख लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी। गेम कवर आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है, टॉप फोर फाइव से तीन तीन बैटिंग ऑप्शन और बॉलिंग से भी आपको 10 और लगभग 24 से 28 ओवर आपके कवर हो रहे हैं गेंदबाजी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पान केड़े की इस पिच पे। ठीक है, टीम देख ली आपने, चलते हैं टीम टू की तरफ कि क्या होने वाली हमारी ग्रैंड लीग की पहली टीम। तो निकोलस पूरन को एज इट इज रिटेन किया है, इसलिए पूरन का पी और सर्कल बना दिया, लेकर आया दिनेश कार्तिक को। फ्लेक्सिबल ऑप्शन है दिनेश कार्तिक, अगर 25-30 भी बना गए तो आपका काम हो जाना है। ठीक है, बैटिंग ऑप्शन तीन है और कौन है, पाफ डुप्लेसिस को कंटिन्यू किया, विराट कोहली को भी कंटिन्यू किया, अभिषेक शर्मा की जगह आगे राहुल त्रिपाठी। ठीक है, ऑलराउंडर ऑप्शंस वही दोनों, कोई बदलाव नहीं, मैक्सवेल और मार्कम। बॉलिंग ऑप्शंस चूंकि एक विकेटकीपर पर बढ़ाया तो एक बॉलिंग ऑप्शन यहीं से निकल गया, बचे जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं उसमें अपना क्या है, हेजलवुड को मैंने मिस किया और हेजलवुड की जगह कार्तिक को लाया हूं, बाकी हर्षल पटेल और हसरंगा को रखा। ठीक है, उनके साथ उमरान मलिक को लेकर आया और भुवनेश्वर कुमार को लेकर आया, तो गोपाल एवर्ट की जगह ये दोनों आ गए, हेजलवुड की जगह आ गए कार्तिक, अभिषेक की जगह त्रिपाठी, चार बदलाव और आपकी बनकी ग्रैंड लीग टीम नंबर वन। कैप्टन फाफ टू प्लेसेस इस टीम के और वाइस कैप्टन राहुल त्रिपाठी, मैंने पहले बोला था कैप्टन या वाइस कैप्टन ही बनाना त्रिपाठी को ग्रैंड लीग में, वरना लेना नहीं है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर टीम देख लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी कि ये HHMM कौन से प्लेयर है, कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, मैं कहूं हर्षल, आप समझे हेजलवुड, ठीक है ना, हर्षल हसरंगा, मैक्सवेल मार्करम, ये आपको टीम दिख गई होगी आपकी स्क्रीन पर, ये है आपकी ग्रैंड लीग टीम नंबर वन। चलते हैं टीम थ्री की तरफ, तो यहां पे सिर्फ एक विकेट कीपर और वो कार्तिक। ठीक है, बैटिंग ऑप्शंस को बढ़ाया यहां पे कि पिच ने दिन का मैच अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो सिचुएशन अलग हो सकती है, इसलिए यहां पे जो बैटिंग ऑप्शन है अभिषेक को तो मैंने रिटेन किया है, बाकी जो बैटिंग ऑप्शंस पढ़ाए हैं वे भी डिफरेंट है। कौन है, केन विलियमसन, शशांक को भी अगर आप 15 बॉल दे देंगे तो 28-30 रन बना देंगे, पतिदार तीन नंबर खेल सकते हैं, पतिदार फिर से, और लोमरो,
ये पांच नंबर खेल सकते हैं, पांच नंबर तक का गैप कवर तो बढ़िया ही है। ऑलराउंडर सिर्फ एक, वो भी मैक्सवेल, एमएक्स लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। चार बॉलिंग ऑप्शन कौन, हेजलवुड तो एज इट इज रहेंगे, एच जेड लिख देता हूं इनको, ठीक। बाकी सिराज, कार्तिक त्यागी और भुवनेश्वर कुमार। आरसीबी का टॉप ऑर्डर मिसिंग है, स्टार्टिंग में थोड़ा स्विंग मिल सकता है, थोड़ी मदद निकाल सकते हैं, कोहली स्ट्रगल कर रहे हैं, फाफ का भी दो पारियों के अलावा ज्यादा कुछ योगदान नहीं रहा है, इसलिए कैप्टन भुवनेश्वर कुमार अगर उस एडवांटेज को भुना ले जाए तो, अब चूंकि निकल जाएगा जल्दी टॉप ऑर्डर तो मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, इसलिए पटीदार लोनोर और मैक्सवेल इस टीम में है, और पटीदार क्या है पारी को संभाल कर लंबा खेल सकते हैं, इसलिए वाइस कैप्टन, ठीक है। अपनी स्क्रीन पे देखो टीम फटाफट, आपको समझ में आ जाएगा कि इस टीम का मतलब क्या है, ठीक है, दिख गई। चलिए बात हमारी और आपकी इस वीडियो में मैच से रिलेटेड खत्म होने से पहले रह गया प्रॉफिट फंडा, ठीक है। प्रॉफिट फंडा क्या है, प्रॉफिट फंडा ये कि आपको करना है मैच विनर पे इन्वेस्टमेंट, कहां करना है और कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल पर दी हुई है। टेलीग्राम पे पहुंचिए, जो मैसेज वहां ऊपर एक लिखा हुआ है प्लान, प्रॉफिट प्लान करके, उस मैसेज को पढ़ें, समझें, जानें, ठीक है। और जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया उस पर साइन अप करें, साइन इन करें और अपना आराम से क्या करें, खेलें और पैसा कमाएं। जहां तक मैच विनर की बात है, इस मैच में कौन रह सकता है, मेरे ख्याल में इस मैच का मैच विनर आरसीबी रहने वाला है, तो आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो आरसीबी पे करना है। हमारी मुलाकात हर दिन होती रहेगी, आज के मैच का दूसरा वीडियो आ रहा है थोड़ी देर में, जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी सब्सक्राइब करके जाएं, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल टाटा बाय बाय, जय माता दी।